आज मन बड़ा उदास हलवा कुछ कुछ ऐसा देखा ही है कि समझे में ना हुआ है कि कहाँ हमने कौन जगह पर ऐसा रही थी। अवतरित हो गए बोले ना यार कि कैसन धरती पे मतलब कैसन राज्य में हमने अवतरित हो गए है, कहाँ हमने पैदा ले रही है, कहाँ से कहाँ बिहार पहुँच गए। आज बिहार है भिखारी ठाकुर जी है ना, भिखारी ठाकुर के नाम से जाना जाए, बिहार के छपरा से जो है शारदा सिन्हा के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन आज बिहार चंद नचनिया बजनिया के नाम से जानल जा रहा है। बड़ा शर्म आवा है जब हमने बाहर रहा है और बाहर आवा है तो तमाम लोग बिहार के चर्चा कर रहे हैं। मतलब कल कुछ ऐसा ऐसा हमने वीडियो देख लिया है, काफी क्रिएटर्स फेसबुक यूट्यूबर हल थी जो कुछ कुछ ऐसा वीडियो बनल थी है जरा देख के एकदम बहुते अंदर से एकदम मन क्रोधित और अशांत टाइप लगे लगला। मतलब दो वर्ष से हमने वीडियो बनावी थी लेकिन आज तक इस टाइप के अभद्र वीडियो आज तक न देख लिया। हमेशा 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 देखा, जरूरी नहीं कि वीडियो हमने के सिर्फ बिहार या यूपी झारखंड में देखल जाए। जब वीडियो वायरल हुआ है, जब वीडियो ट्रेंडिंग में चला ना है जी, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में देख ले जाती लोग। बिल्कुल इत्तेफाक हुआ है कि जब हमने बाहर जाए तो हिंदुस्तान के कोने कोने में पहचान भी ले जाती। तो सोचा कि अगर तमाम नचनिया बजनिया दो कौड़ी के लोग दलाल अगर ऐसा हरकत करा है जैसा कर शुरू में देख रहा तो नहीं सोचा कि वो उम्र के होकर कम से कम तीन गो बेटी होती है। तीन गो बेटी होती ना वो उम्र के जरा वो देखे में 50 से 55 साल के आदमी लगी है। अब बहुत फेमस आदमी है जी, जब सिपाही सिपाही चा, सिपाही चा प्रकोजी कह लिया राधेश्याम रसिया मौसा चाचा भाई ना कही लिख रहा हो वही कही थी है कि बड़ा फेमस आदमी है और इस तरीके से तुच्छ काम। मतलब सिपाही है कि नहीं है पता ना जाना ना। मतलब हम तो ये पूछना चाहे कि अगर घर में अगर बीबी होते भी है तो ये सब देख के ओकरा कैसन का महसूस हुआ होती जी, बेटी के छोड़ दा है जहाँ से बेटी या लाई ओकरे ना लगावे थे। अरे एक बात बताओ हमारा समर, बेवड़ा लोग के बीवी हुआ है कि ना हुआ है? हुआ है। ठेकेदार रहा थे हुआ है, कोठा पे दलाली करे वाला बीवी रहा ना हुआ है, उन्हीं के लिए कोई फर्क ना पड़ा है, कुछ काम कर रहा है। सही बात है, वही एहनियों के हाल है। अब तो इन्हीं के संस्कृति और बीवी के कल्चर और एकर बात कर वही ना व्यवहार के चल लो काम इन्हीं के इसी प्रकार के दलालिया से जिंदगी चली थी वो समझ ला। तो फिर यहाँ पर एक और सवाल आवा है कि जब इन्हीं के हम अभद्र भाषा में बोला ही आये तो फिर सालन के फटक आये है। यही लोग कल के डेट में आता था और कहता था कि मगहिया जवान को अगर अश्लीलता खत्म करना है तो उसको अपना वाणी सुधारना होगा। तो आई रे सिपाही, तू अगर इस टाइप का कार्य करेगा तो हम तुरा कितना इज्जत देंगे। मैं तुरा काबू काहे कर रहे हैं सिपाही, जेकरा इज्जत देवेल जाता है उसको हम देते हैं, जो उस टाइप का काम करता है उसको देते हैं। आज तक जितना भी भोजपुरी के गोपाल राय जी हो गए, भरत शर्मा जी हो गए, निराउआ जी हो गए, देवी हो गए, ये सब कब बोले हैं भाई? कभी चर्चा ही नहीं करता ना जवान से चर्चा, कैसा उल्टा होगा। लेकिन एक चीज ना समझ में आता है, तुम्हें कब सुधरोगे रे सो बताओ साला। मतलब समझ में ना आते का दिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद टाइप का कोई सनकेगा और जैसे इतना देखा भी और कोई कहमानिए सनक सकते हैं उस टाइप के। कभी हो सकता है कि सनक जाए तो एक दिन में सब अश्लील साफे हो जाएगा। अश्लील सही बात है जी, कितना बर्दाश्त करेंगे महाराज, लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लोग कब तक ये सब ड्रामेबाजी सुनेगा भाई। तो नहीं बात करता है जाके, तुरा कुबत है तो जाओ ना ऑडिशन देके बॉलीवुड में काम करो, नंगा नाच करो ना यार। अरे यार तो बात करना ना है, थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो बेटी के उम्र के ज्यादा ज्यादा 16-17 साल की लड़की होगी और तू कहाँ 55 साल के अधोड़ी में उंगली आ रहे हो। जबरदस्त हालांकि लड़की मना कर रही है, मना कर रही है, लगातार तू देख रहे होगे, लगातार जो इंडिकेशन चल रहा है वहाँ पे लड़की मना कर रही है, इसीलिए उसको रोका गया है समझे। शर्म करो और लाज विचार, फिर भी हया नहीं है ना, फिर भी बहुत लौंडे आएंगे यहाँ भी तरह तरह की बातें करेंगे, क्योंकि ऐसा लौंडन के ना कोई मतलब ही नहीं है। इतना शांति से हम बोल रहे हैं, कारण बस यही है कि इस टाइप का वीडियो देख के एकदम मन अशांत हो गया। अरे देखिए कैसा जगह पे आके बैठे हुए हैं, जहाँ पे मतलब जहाँ पे सैकड़ों लोग देखिए क्रिकेट और क्या क्या प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन लगा कि नहीं सर चल चल, कितना दिन कितना बार हमने एक ही चीज को बोले भाई, बिल्कुल बंद करो बंद करो बंद करो। जवाबदारी सिर्फ पूरे बिहार वासियों का मगहिया जवान को ही नहीं ना है, आप लोगों को भी सोचना और समझना चाहिए। खैर वीडियो को दूर तक पहुंचाइए, बड़ा आहत हुआ है जी, बड़ा बहुत मतलब सोच में कभी कभी पड़ जाते हैं इस प्रकार के तमाम वीडियो देख के। अभी देखिए आज वाला वीडियो डला है कुछ देर पहले, उसमें देख रहे हैं कि लड़कियां सिगरेट पी रही है, वीडियो वायरल कर रही है। आज तमाम वैसे डी क्लास के लोग के कभी चर्चा कर, बहुत जैसे कैटेगरी ना हो जी, कैटेगरी एक कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी, तो डी कैटेगरी के लोग है ये तमाम, ओकरा में बहन बेटी माए मौसी सब नाच कर रही है कि भतार उठ लाली पर जियाता। खैर उठलाली में भतार के मत जियाते रहो, हम तो डी कैटेगरी के ना है। खैर आज देखा ज्यादा देरी के वीडियो ना रहता हुआ, देखा वीडियो शेयर करा, ठीक लगलो तो शेयर करा और ना करे के मना हुआ तो ना करा। कोई गुजारिश और फरमाइश से ना रहता हुआ, बाकी नमस्कार हो प्रणाम हो जय मगर जय बिहार।